हाउ डू से मेरा गला खराब है। मेरा गला खराब है, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश बोलना चाहे बोल सकते हो, आई हैव गॉट हॉर्सनेस। हॉर्सनेस तो गले में गला खराब होना, गले में खराश होना, उसे बोलते हैं आई हैव गॉट हॉर्सनेस, ऐसे यूज कर सकते। सर हाउ टू से मेरा सफर बहुत खराब रहा। मेरा सफर बहुत खराब रहा, बहुत खराब एक्सपीरियंस बोलते हैं ड्रेडफुल, ड्रेडफुल। तो माई एक्सपीरियंस वॉज ड्रेडफुल। अब सेंटेंस ये है, मेरा सफर बहुत खराब रहा, तो आई हैड ड्रेडफुल जनवरी, आई हैड ड्रेडफुल जनवरी, ऐसे बोल सकते हो आप, ड्रेडफुल एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप। वो टांग फैला के बैठा हुआ, तो टांग फैला के मतलब ये होता है कि आदमी को जब स्पेस को घेर के बैठा जाता है। ही वॉज मैन स्प्रेडिंग, ही वॉज मैन स्प्रेडिंग। कोई व्यक्ति है जो टांग फैला के मतलब दूसरी जगह को एंक्रोच करके बैठा हुआ है, दूसरी जगह घेर के बैठा हुआ है, उसे बोलते हैं मैन स्प्रेड। तो ही वॉज मैन स्प्रेडिंग। आप बस में जाओगे तो एक सीट पर दूसरे आदमी टांग फैला बैठ जाता है, तो बोल सकते हो डोंट मैन स्प्रेड, सिट राइट या सिट प्रॉपरली, डोंट मैन स्प्रेड, ऐसे यूज कर सकते हैं आप। हाउ टू से सर आपके जूते का सोल घिसा हुआ है। आपके जूते का सोल घिसा हुआ है, कोई चीज घिस जाती है, घिसी पिटी हो जाती है, बोलते वॉर्न आउट, तो बोल सकते हो योर सोल इज वॉर्न आउट, या फिर बोल सकते हो योर शू इज वॉर्न आउट। जूते का सोल घिस जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है, तो योर शूज इज वॉर्न आउट, ऐसे बोल सकते हो योर शू इज वॉर्न आउट। हाउ डू से वह आपको कौन लगता है। वह आपको कौन लगता है, तो बोल सकते हो हु इज ही टू यू, वो आपकी कौन लगती है, Who is she to you? तो वहां से भी यूज करते हैं Who is he to you? तो to you भी यूज करेंगे Who is he to you? Who is she to you? Who are they to you? वो कौन लगते हैं आपको, वो कौन लगता है, लड़की है तो she लगा देंगे, इसे यूज कर सकते हैं। सर हाउ टू से बाहर बूंदाबांदी हो रही है। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, अब नॉर्मली बोलते हैं इट्स रेनिंग आउटसाइड, रेन में और बूंदाबांदी में अंतर हो, तो बोल सकते हो उसे इंग्लिश में इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, ऐसे यूज कर सकते हैं। हाउ टू से सर मैंने अपना काम कर दिया बाकी आप जानो। मैंने अपना काम कर दिया बाकी आप जानो, ये इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, इसको सिंपल सेंटेंस नहीं बनाओगे तो एक अजीब सेंटेंस बनेगा। तो मैंने अपना काम कर दिया बाकी सब आप जानो, मतलब बाकी आपके हाथ में है। तो आई हैव डन माय वर्क, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब सब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप जानो क्या करना है, बॉल इज इन योर कोर्ट, अब उसकी जिम्मेदारी है तो बॉल इज इन हिज कोर्ट, मेरी जिम्मेदारी है तो बॉल इज इन माय कोर्ट, मतलब अब मैं ही कुछ एक्शन ले सकता हूं, मैं ही कुछ कर सकता हूं। तो आई हैव डन माय वर्क, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, ऐसे बना सकते हो सेंटेंस। एक से भले दो, एक से भले दो, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति काम करने जा रहा है, एक व्यक्ति काम करने जा रहा है, उसको मतलब दो भी काम कर सकते हैं, दो बेटर रहेंगे। तो आप बोल सकते हो मेनी हैंड मेक लाइट वर्क। सर हाउ टू से मेरा पैर सो गया है। मेरा पैर सो गया है, अक्सर हाथ पैर सो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नम, नम होता है सुन्न पड़ना, तो आप बोल सकते मेरा पैर सो गया है, तो माय लेग हैज गॉट नम्ड, माय लेग हैज गॉट नम्ड, मेरा हाथ सो गया है तो माय हैंड हैज गॉट नम्ड, ऐसे यूज कर सकते हो आप। इसके जुराब में से बदबू आ रही है, उसके जुराब से बदबू आ रही है, सॉक्स में बदबू आ रही है, तो बदबू होती है स्टिंक, तो बोल सकते हो योर सॉक्स आर स्टिंकिंग, हिज सॉक्स आर स्टिंकिंग, हर सॉक्स आर स्टिंकिंग, मतलब इसके उसके जो भी हो, फीमेल है तो हर लगा देना, मेल है तो ही हिज लगा देना, आपकी जुराब में बदबू आ रही है, योर सॉक्स आर स्टिंकिंग, ऐसे आप यूज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो स्टिंक वर्ड यूज करते हुए। मुझे चेस में दिलचस्पी है। मुझे चेस में दिलचस्पी है, चेस गेम होता है उसमें दिलचस्पी है। इंग्लिश में आई एम इंटरेस्टेड इन चेस, आई एम इंटरेस्टेड इन चेस, अब इस इंटरेस्ट को यूज करते हो इन टू, तो आप बोलोगे आई एम इन टू चेस, उसे डांस में इंटरेस्टेड है, ही इज इन टू डांस, तो इन टू वर्ड यूज करते हो दिलचस्पी होने के लिए, शी इज इन टू डांस, आई यूज टू बी इन टू हिस्ट्री, ही इज इन टू हिस्ट्री, शी इज इन टू मैथ्स, मतलब किसी में इंटरेस्ट होना, तो इन टू का यूज करके आप उस वर्ड को यूज कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। अब पूछूंगा मैं आपसे व्हाट आर यू इनटू, यू कैन कमेंट लो। हाउ टू से उसकी मां ने उसे सर पर चढ़ा के रखा है। उसकी मां ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, तो हिज मदर हैज पैम्पर्ड हिम, पैम्पर होता है ज्यादा लाड़ प्यार करना, दुलार करना, स्पेशली नेगेटिव वे में, तो हिज मदर हैज पैम्पर्ड हिम, और यही ओवर पैम्पर्ड हो जाए तो ज्यादा लाड़ प्यार दे रखा है, मतलब लाड़ प्यार करना बच्चा बिगड़ गया है, तो हिज मदर हैज ओवर पैम्पर्ड हिम, या हिज मदर हैज पैम्पर्ड हिम, और हर जो भी व्यक्ति है उसे ला सकते, पैम्पर्ड होता है ज्यादा लाड़ प्यार, ज्यादा दुलार करना। सो इंग्लिश सीखने के लिए चले जाते इंग्लिश।